आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी के Q1 के रिजल्ट के बारे में। पीएनबी के Q1 के रिजल्ट आ गए हैं, चेक कर लेते हैं कैसे आए हैं रिजल्ट। उससे पहले बता दूं, देवयानी आईपीओ, विंड लास्ट और कृष्णा तीनों के ही आईपीओ के ऊपर डिटेल वीडियो बन चुकी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी का अभी सबसे पहले वीडियो को आपको करना है लाइक, फ्री है, नीचे लाइक का बटन दिया गया उसको क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरू करें पीएनबी के Q1 के रिजल्ट। तो ये हैं इनके अनऑडिटेड रिजल्ट, चेक कर लेते हैं कैसे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट दोनों ही दिए गए हैं। सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स में आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटल इनकम की बात करें तो हम स्टैंड अलोन चेक नहीं करेंगे, हम कंसोलिडेटेड ही चेक करेंगे। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 22,81,541 रुपीज़ का आया है। लास्ट क्वार्टर 22,77,000 था, लास्ट ईयर 22,24 था। तो वाई ऑन वाई इनकम गिरी है, क्यू ऑन क्यू इनकम हल्की सी बढ़ती हुई देखने को मिली है। प्रोविजनिंग की बात करें कि प्रोविजनिंग कितनी की है, तो 4,70,000 का प्रोविजनिंग किया है कंपनी ने, बैंक ने इस बार। लास्ट क्वार्टर 4,76,000 का था, लास्ट ईयर 4,73,000 का था। तो वाई ऑन वाई भी प्रोविजनिंग कम होती हुई देखने को मिल रही है, क्यू ऑन क्यू भी आपको प्रोविजनिंग कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल प्रोविजनिंग बेसिस पर हम बात करें तो रिजल्ट अच्छे आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,08,000 का आया है, तो 10,88,000 के आसपास का आया है आई गेस, या 1,08,000 हम इसे मान के चल सकते हैं। लास्ट क्वार्टर 54,000 का था, लास्ट ईयर 47,000 का था। तो वाई ऑन वाई तो डबल हो गया है, क्यू ऑन क्यू भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन साइड पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। पीएनबी की अगर हम बात करें तो कैपिटल एडिकेशन रेशियो भी अच्छा खासा है, 15 का है। और अगर हम ईपीएस की भी बात करें तो 0.57 का ईपीएस 1.09 का होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एनपीएस हल्के से बढ़े हैं, नेट एन ग्रॉस एनपीएस हल्के से बढ़े हैं। वहीं नेट एनपीए की भी बात करें तो वो भी आपको हल्के से बढ़ते हुए साइड पर आते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओके रिजल्ट है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देख रहे हो, ट्रेडिंग के हिसाब से तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, तो अगर पब्लिक बैंक में ही जाना है आपको तो SBI मुझे ज़्यादा पसंद आता है। धन्यवाद।